नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 18 सितंबर 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज, PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। DLED फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2022 की पूरी अपडेट को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे DLED फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट 2022 अपडेट के बारे में। यूपी टेट सी टेट सुपर टेट के हर एक बड़ी अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। स्कूटनी के लिए आवेदन की प्रक्रिया लगातार जारी है और आपको दोस्तों बता दें लास्ट डेट आ चुकी है। अगर आवेदन करना है तो जल्द से जल्द करा दीजिए। फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर को हम इस वीडियो में देखेंगे। कुछ और बड़ी अपडेट्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीएड छात्रों को एक बड़ा झटका लगा है, देख सकते हैं। डीएलएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी भी हम कह सकते हैं, 5 महीने के बाद मिलेगा टीटी का अंक पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपका यूपी टेट का जो अंक पत्र है वो मिलने वाला है। उसके बाद देखिए, राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आता है कि 8 चीते तो आ गए, अब ये बताइए 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए। युवाओं की है ललकार, लेकर रहेंगे रोजगार। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस कल मनाया गया। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ टीटी परीक्षा आज है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें SSC CGL 2022 के आवेदन शुरू हो चुके हैं। 20,000 पदों पर होगी भर्ती। इस अपडेट को भी जरा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। कोरोना केसेस की बात करें तो 24 घंटे में हमारे देश में 2,974 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। उसके बाद दोस्तों सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ये रही आपके सामने, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया कैसे करेंगे आवेदन, पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। एक और दोस्तों बड़ी अपडेट, DLED BTC परीक्षा वर्ष 2022 का कार्यक्रम प्रथम सेमेस्टर। DLED परीक्षा डेट शीट हम आपके सामने रखेंगे कि कैसी डेट शीट आएगी और किस हिसाब से आपको इस साल तैयारी करनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आपका पेपर अच्छा जाता है, तैयारी नहीं करते तो रिजल्ट खराब हो जाता है। और आपको पता है कि भैया रिकॉर्ड तोड़ बच्चे फेल हो रहे हैं आजकल DLED में। जी हाँ दोस्तों, हर बार एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। फेल होने वाले छात्रों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, छात्रों की संख्या में कमी नहीं हो रही है, ठीक है। 2019 का जो बैच था इनको प्रमोट किया गया था फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन सेकंड सेमेस्टर का जब पेपर हुआ तो काफी बच्चों की बैक आई। लेकिन दोस्तों जब DLED 2021 का बैच आया इसमें तो काफी ज्यादा बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में ही फेल हो गए। मतलब साफ है दोस्तों कि काफी बच्चों ने तैयारी नहीं की है। देखिए कुछ बच्चों की कॉपी गलत चेकिंग के शिकार होते जरूर है, लेकिन सभी बच्चे ऐसा नहीं होता कि गलत कॉपी चेकिंग की वजह से ही फेल हो रहे हैं। तो तैयारी में भी कहीं ना कहीं लापरवाही बच्चे कर रहे हैं। तो गाइस इन बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि DLED में साल एडमिशन 2022 में कम हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन हम आपके सामने रख दें कि अभी दोस्तों बीएड की काउंसलिंग तक शुरू नहीं की गई। बीएड में होती जा रही ये होता है कि जो बच्चे अपियरिंग रहते हैं वो बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि DLED या BTC में वही बच्चे आवेदन कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रिजल्ट कम से कम ऑनलाइन वाला आ चुका हो। बीएड में ये दोस्तों ये नियम नहीं रहता। तो बीएड में एक और बात इन्होंने होशियारी की बीएड में कि रिजल्ट काफी ज्यादा देरी से आया ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का, तो इसीलिए काउंसलिंग देरी से करा रहे हैं। लेकिन डीएलएड में आपको पता है कि आवेदन करते समय ही फाइनल ईयर का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, इसीलिए दोस्तों इस साल डीएलएड में एडमिशन काफी कम हो रहे हैं। और आपको बता दें जो ये कोर्ट का मामला गाइस, अगर यहाँ पर डीएलएड छात्रों की जीत हो गई, बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया, तो गाइस आपको बता दें जो बीएड कॉलेज में आजकल आप देख रहे होंगे लंबी कतार लगी है, सभी बच्चे बीएड करना चाहते हैं, खत्म हो जाएगा क्रेज, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पूरी अपडेट पहले हम आपके सामने रखते हैं। प्रयागराज से अपडेट है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की सहायक अध्यापक भर्ती से बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने के विवाद के बीच यूपी टेट 2021 का परिणाम घोषित होने के 5 महीने के बाद परीक्षा में सफल डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में प्रमाण पत्र छपकर आ चुके हैं। सितंबर अंत तक डायट को वितरण के लिए भेजे जाएंगे। सूत्रों के अनुसार डायट प्राचार्यों को यह निर्देश दिया जा रहा है कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक बीएड अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र ना दिया जाए। राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए बीएड वालों को प्राथमिक स्तर की टीटी का प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के लिए प्रतीक मित्र समेत 4 अन्य डीएलएड प्रशिक्षुओं ने हाई कोर्ट में याचिका की है जो कि विचाराधीन है। NCTE और राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में जवाब लगाया जा चुका है। शिक्षक भर्ती के लिए TET का प्रमाण पत्र अनिवार्य है, इसलिए DLED प्रशिक्षु नहीं चाहते कि प्रमाण पत्र BEd अभ्यर्थियों को वितरित किया जाए। NCTE ने 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी कर BEd अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में मान्य कर लिया था। तो दोस्तों आप इस समय की ये बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में जो भी है शेयर करिए और बताइए।
अगर यहाँ पर बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया गया तब डीएलएड छात्रों की बल्ले बल्ले है। और आपको बता दें, आपको नौकरी पाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। एक बात याद रखिए, जब नए शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा ना, तो वहां पर आप देखेंगे डीएलएड से ज्यादा बीएड के बच्चे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करेंगे। मतलब सोचिए, जो वैकेंसी आपके लिए उसमें आपसे ज्यादा बच्चे बीएड के आवेदन कर देंगे, तो कुछ ना कुछ सीटें बीएड के छात्र भी लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। एक बात और जरा देख लीजिए, बड़ी खबर इस समय की ये भी है, बड़ी खुशखबरी भी है कि दशहरे से पहले मनेगी केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली, डीए बढ़ने के साथ सैलरी में होगा इजाफा। जी हाँ दोस्तों, हर एक बड़ी खबर पर आप लोग की नजर होनी चाहिए, कोई भी खबर देखिए आपसे छूटनी नहीं चाहिए। तो केंद्र सरकार की तरफ से डीए बढ़ाने का ऐलान 28 सितंबर यानी नवरात्रि के समय हो सकता है। ये बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2022 से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को त्योहारों में सैलरी में ज्यादा पैसा मिलने वाला है। तो एक बड़ी खुशखबरी है, 17 जातियों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, ऐसा सपा कह रही है। जी हाँ दोस्तों, सपा पिछड़ा वर्ग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा कि सपा सरकार द्वारा 2016 में 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में परिभाषित कर उन्हें अनुसूचित जाति की सुविधा देने की अधिसूचना जारी कर दिया गया था, जिसे भाजपा सरकार षड्यंत्र कर समाप्त करना चाहती है। तो हर एक अपडेट पर आप लोग की नजर होनी चाहिए। लेखपाल से अपडेट आई कि समूह ग भर्ती परीक्षा में 8 सीरीज के पेपर अब नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुन्ना भाइयों पर नकेल डालने के लिए समूह ग भर्ती परीक्षा का पैटर्न बदल दिया है। अब तक 8 सीरीज में प्रश्न पत्र दिए जाते थे, लेकिन भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। नई व्यवस्था में प्रश्न पत्र संख्या के आधार पर मूल्यांकन होगा। आयोग ने लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई में परीक्षा कराई थी। एसटीएफ ने नकल कराने वालों को परीक्षा के दौरान पकड़ा था। पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारी मिली थी। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी प्रदेश के 1899 परीक्षा केंद्रों पर 15 व 16 अक्टूबर को होने वाली है। तैयारी कर लीजिए दोस्तों। एक बात और, पीसीएस मुख्य परीक्षा टालने को किया जा रहा है प्रदर्शन। विरोध के बीच पीसीएस 22 2022 मेंस के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, जब पेपर होने वाला रहता है तो कुछ बच्चे आके ये कहते हैं परीक्षा टाल दिया जाए, कुछ बच्चे कहते हैं पेपर होना चाहिए। तो हर जगह बच्चे मतलब असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं कि पेपर होगा नहीं होगा, डाउट में बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं आप लोग से, हर एक अपडेट पर आप लोग नजर बनाए रखा करिए। शिक्षक भर्ती शुरू करने को ज्ञापन दिया जा रहा है। प्रयागराज से अपडेट है कि राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड व प्रवक्ता का दिया चल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिलने के बावजूद भर्ती शुरू नहीं होने पर प्रतियोगी छात्रों में निराशा का माहौल है। छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को आयोग के प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। अफसरों ने बताया कि शासन से अर्हता संबंधी पत्र को आयोग को मिल चुका है। तो दोस्तों, ये सब मैटर है, तो देख सकते हैं कि टीटी में नकल का ठेका लेने वाले को एसटीएफ ने पकड़ लिया। तो गाइस, हर एक बड़ी अपडेट पर हमारी नजर होती है। हमने वीडियो के अंत में आपके लिए बता रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, जहां से आप लोग डीएलएड परीक्षा की डेट शीट को डाउनलोड करके उसी हिसाब से तैयारी शुरू कर सकते हैं। रिजल्ट अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो रिजल्ट डाउनलोड करके रख लिया करिए, ताकि जब भी जरूरत पड़े रिजल्ट की तब रिजल्ट आपके पास हो। यूपी टेट सी टेट कब से शुरू होंगे आवेदन? जी हाँ दोस्तों, जब भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे। और दोस्तों, फिलहाल यही मान के चलिए कि यूपी टेट और सी टेट का आवेदन जो है ना, वो अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। पेपर हर हालत में दिसंबर में होगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।